जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप एमपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटी ईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, या फिर ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, तो सबसे पहले हिंदी वर्णमाला से कुछ प्रश्न आपके जरूर आते हैं, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला की आज वो नोट्स के आधार पर पढ़ेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलने वाले, बिल्कुल व्यवस्थित और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो सभी लोग तैयार हैं, स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। वीडियो को लाइक करेंगे जो भी हमारे नए साथी हैं, वो वीडियो को शेयर भी अवश्य करना है। अब दोस्तों, आपको करना क्या है, अगर आप पूरी प्लेलिस्ट में वीडियो देखना चाहते हैं और एक साथ पूरे वीडियो देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जो चैनल का नाम दिख रहा है सेल्फ स्टडी क्लासेस, नीचे आप जो वीडियो देख रहे हैं उस पर क्लिक करें, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा चैनल खुलेगा और चैनल में ऊपर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, तो उस पर क्लिक करें, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट एक साथ मिल जाएगी, ठीक है। और कोई भी डाउट अगर कहीं लगता है तो व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, फेसबुक में भी आप सुमित जैन सर्च कर सकते हैं, ठीक है, ट्विटर पर भी सुमित जैन, और टेलीग्राम में भी आप सर्च कर सकते हैं IAS स्टडी ट्रिक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे दोस्तों वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। वर्णों को अक्षर, जिसका क्षरण ना हो, भी कहा जाता है, ठीक है, अक्षर भी कहा जाता है। और वर्णों में देखो, यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है या फिर ध्वनि है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, वर्ण या ध्वनि या अक्षर, ये आपको समझना है। वर्ण देखो, वर्ण ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। वर्ण क्या है, ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है, ठीक है। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, देखो कौन कौन से होते हैं, ये वर्ण आप देख रहे हैं, वर्ण होते हैं एक तो स्वर वर्ण होते हैं और दूसरा व्यंजन वर्ण होते हैं, ठीक है। स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व होते हैं, दीर्घ होते हैं और प्लुत होते हैं, ठीक है। और व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। इस प्रकार से व्यंजनों को भी कई भागों में बांटा गया और स्वर को भी कई भागों में बांटा गया। तो आपको याद रख लेना, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तब आपका सीधा सा उत्तर होगा कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये जो नोट्स है दोस्तों आपको कहीं मिलने वाले नहीं है इतने व्यवस्थित। स्वर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तब आपका सीधा सा उत्तर होगा पांच प्रकार के, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त और द्विगुणी, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। हिंदी में स्वरों की जो संख्या है वो कितनी होती है, 11 होती है। आ आ ई ई उ उ ऋषि, है ना, ए आई ओ औ, ये इस प्रकार से 11 क्या होते हैं, स्वरों की संख्या होती है 11 स्वरों की कुल 10 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये मात्राएं होती है, 11 स्वरों की कितनी मात्राएं होती हैं, 10 मात्राएं होती हैं। और स्वर देखो, ह्रस्व स्वर मात्रा के आधार पर, ये मात्रा के आधार पर आप देख रहे हैं, मात्रा के आधार पर स्वर क्या हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। उदाहरण देखो, सबसे पहले आपसे सीधा सा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों, विभिन्न आधार पर जो है स्वरों को बांटा गया है, जिभ्या के आधार पर भी अलग अलग बांटा गया है, मुख खुलने के आधार पर भी बांटा गया है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले मात्रा के आधार पर, तो मात्रा के आधार पर तीन प्रकार से बांटा गया स्वरों को। ह्रस्व स्वर देखेंगे तो ह्रस्व स्वर में जो आते हैं आ ई उ और री, ये जो चार होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आपसे सीधा सा क्वेश्चन एक बनता है, निम्न में से बताइए कौन सा ह्रस्व स्वर है, तो आपका उत्तर इनमें से होना चाहिए, ठीक है, आ ई उ और री में से ह्रस्व स्वर होना चाहिए। दूसरा पूछा जाता है दीर्घ स्वर कौन सा है, तो दीर्घ स्वर में आ ई उ ए आई ओ और औ, ये क्या है, दीर्घ स्वर है, ठीक है।
और ये पिलुत स्वर्ग, ओम ऐसा जो आता ना ओम, ये वाला ये क्या है, पिलुत स्वर है, ठीक है, ये पिलुत स्वर कहलाता है। तो ये आपको याद रख लेना है, आपसे क्वेश्चन आएगा निम्न में से बताइए कौन सा दीर्घ स्वर है, कौन सा ह्रस्व स्वर है, तो आपको पता होनी चाहिए आर ई उ और री, ये ह्रस्व स्वर होते हैं, बाकी के क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गई होगी। जिभ्या के आधार पर देखेंगे तो जिभ्या के आधार पर भी तीन भागों में बांटा गया, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। अग्र स्वर कौन कौन से हैं, तो ई ई ए और आई, ये क्या है, अग्र स्वर है, ठीक है, ई ई ए आई, ये अग्र स्वर है। मध्य स्वर में केवल छोटा आ है, ठीक है। पश्च स्वर में बड़ा आ, उ, उ, ओ और औ, ये क्या है, पश्च स्वर है। तो इनको आपको याद रखना है दोस्तों, आपसे सीधा सा पूछा क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से बताइए कौन सा मध्य स्वर है, तो मध्य स्वर में केवल आपको आ जो है उस पर टिक करना है ना। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन सा पश्च स्वर है, तो आपको पश्च स्वर ए इस प्रकार से पता होनी चाहिए। अग्र स्वर कौन से हैं, तो अग्र स्वर में ई ई ए आई पूछे जाएंगे। तो यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको याद होनी चाहिए, और ये टेलीग्राम ग्रुप में जो है ये पीडीएफ डाल दी जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ना है दोस्तों आपको, ठीक है। मुख के खुलने के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर देखो, तो मुख के खुलने के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है विव्रत, तो विव्रत कौन होता है, बड़ा आ, ठीक है। अर्ध विव्रत, आ आई और औ, ये क्या है, अर्ध विव्रत है। समृत देखो, ई ई उ उ, ये क्या है, समृत है और अर्ध समृत है, ए ओ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन यहां से बनते हैं, इनको आपको याद कर लेना है ना, विव्रत, अर्ध विव्रत, समृत और अर्ध समृत, यहां से क्वेश्चन आते ही हैं। और भी देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्वरों की संख्या हमने पढ़ ली कितने होते हैं, 11 होते हैं, व्यंजनों की संख्या पढ़ ली 33 होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखें अपन कि स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में ये 25 होते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। ऐसे भी पूछा जाता है, संख्या भी पूछ ली जाती है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25 होते हैं। इसके जो पांचों वर्ग के अक्षर आते हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आपने पढ़े होंगे कचट तप, कचट तप है ना, काचट तप, कचट तप, ये पांचों वर्गों के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन देखो, अंतस्थ, या रा ला और वा, ये अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। उसमें देखो, उसमें, उसमें व्यंजनों की संख्या भी 4 है, इन्हें सा 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 और हा, ये क्या है, उसमें व्यंजन है, इनकी संख्या भी 4 है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल मिला के जो व्यंजन है वो कितने हैं, 33 व्यंजन है, ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया, कि काय के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, एक तो अघोष और दूसरा घोष या फिर सघोष, ठीक है, सघोष है ना, अघोष और घोष या सघोष। तो इस प्रकार से घोषत्व के आधार पर भी व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया, एक तो अल्प प्राण और एक महाप्राण। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्राणत्व के आधार पर जो है व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया, तब आपका उत्तर होगा दो प्रकार, ठीक है। घोषत्व के आधार पर भी दो प्रकार से। तो इस प्रकार से याद रखना है, संपूर्ण तैयारी करना है। वर्णों का उच्चारण स्थान देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो यम गण नम जो होते हैं ये क्या होते हैं, नासिका से बोले जाते हैं, ठीक है। जैसे अम और इंग्या, या, रा, ना और मा, ये जो वर्ण होते हैं ये क्या है, नासिका से बोले जाते हैं। वर्ग के जो पंचम अक्षर है, यहाँ पर आपने देखे होंगे वर्ग के पंचम अक्षर, यहां से देखो ये वर्ग के पंचम अक्षर जो है ये सभी काय से बोले जाते हैं, नासिका से बोले जाते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखें ये नासिका से जो है, और यहाँ पर एक जोड़ दिया गया अम, ठीक है, जिन्हें अयोगवाह कहा जाता है, इनको याद रखना है। यहाँ पर हमें इन्हें वर्ष या फिर दंतमूल सकार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आपसे वर्ष से भी पूछा जाएगा, निम्न में से बताइए कौन सा वर्ष है या फिर दंतमूल सकार है, तो ना सा रा और ला,
ये दंत मूल है, ठीक है। वस्त, तावर्ग और सा, ठीक है, ये क्या है, दंत या फिर, ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थान जो होता है तावर्ग का और सा का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, दंत है, ठीक है। वा का देखो, वा जो है दंतोष्ठ है, दांत और ओष्ठ, तो ये वा जो है ये दंतोष्ठ है। उ और उ ये क्या है, और पावर्ग ये ओष्ठ है, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है, ठीक है। उ और बड़ा उ, ठीक है, इनका उच्चारण ओष्ठ से। ओ औ और आ ये कंठोष्ठ है, कंठ और ओष्ठ से, तो ये कंठोष्ठ माने जाते हैं। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन सा कंठोष्ठ है, तो कंठ और ओष्ठ से, तो इस प्रकार से ओ औ और आ ये जो क्या है कंठोष्ठ, कंठोष्ठ माने जाते हैं, ठीक है। दंतोष्ठ में वा है, तो इस प्रकार से जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो भी हमने यहाँ पर देख लिया, और भी देख लेते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से मैं पूरा आपको बता रहा हूँ, फिर भी अगर कहीं आपको समझ में ना आए या डाउट कहीं पर लगता है तो कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कहीं भी आप पूछ सकते हैं, प्रश्न को मैसेज के माध्यम से डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऋषि, टा, टावर्ग है, सा है और रा है, ये क्या है, मूर्धा से बोले जाते, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का जो अंगला भाग होता है ना वो है मूर्धा, ठीक है। तो ये क्या है, टावर्ग भी मूर्धा से है, सा और रा और जो है ऋषि, ये सभी मूर्धा से बोले जाते हैं। ई, ई, चावर्ग, या और सा, ये तालु से बोले जाते हैं, ठीक है। सा पूछा जाता है कई बार, सा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए तालु, ठीक है, तालु, ये क्या है, ये तालु से बोले जाते हैं। ए आई, ये कंठ तालु से, कंठ और तालु से बोले जाते हैं ए आई। आ, आ, आहा और कावर्ग, ये कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है, कंठ से, ठीक है, इनको याद रख लेना। हा और विसर्ग, ये क्या है, कंठ, कंठ कहलाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने उच्चारण स्थान देखा, इनको याद रख लेना। एक चीज और हम थोड़ी सी आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा और आपका सरल हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा था क्या, पांच जो वर्ण देखे थे स्पर्श व्यंजन, तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर आता है कंठ, ठीक है, कंठ आया सबसे पहले व्यक्ति का, फिर आता है तालु, फिर आता है मूर्धा, ठीक है, फिर आता है क्या, दंत, और फिर आता है ओष्ठ। उसी प्रकार से यहाँ पर हम नीचे, यहां से मान लो कि ये मान के चलो कंठ है, तो ये कंठ है, तो सबसे पहले आया यहाँ पर कावर्ग, तो कावर्ग कैसे बोला जाएगा, कंठ से बोला जाएगा, ठीक है। फिर आता है चावर्ग, यहाँ पर चावर्ग आया और यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ गया तालु, ठीक है, तो ये तालु से बोला जाएगा। यहाँ पर टावर्ग आया और यहाँ पर आया मूर्धा, तो ये टावर्ग मूर्धा से बोला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर तावर्ग आया और यहाँ पर क्या आया, दांत या फिर दंत, तो ये दंत से बोले जाएंगे, उच्चारण स्थान दंत होगा। और यहाँ पर पा आया लास्ट में, और हम भी देखते हैं कि हमारे मुंह दंत के बाद ओष्ठ आते हैं, तो ये क्या है, ओष्ठ से बोले जाएंगे। तो ये पूरी संरचना है और ये स्पर्श व्यंजन आपको याद रखना, कचट तप, कचट तप और निश्चित ही कंठ से लेकर के ओष्ठ तक एक क्रम से बोले जाएंगे, तो इनका उच्चारण स्थान याद रख लेने में आपको आसानी सी हो जाती है, ठीक है। और भी देख लेते हैं इसके बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण है जो इस प्रकार है। देवनागरी लिपि में देखो यहाँ पर आपको देखना है स्वर कितने हैं, 11, अयोगवाह कितने हैं, 2, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25, ठीक है, अंतस्थ कितने हैं, 4, ऊष्म व्यंजन कितने हैं, 4, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4, और द्विगुण व्यंजन कितने हैं, 2। अब इनको आपको जोड़ना है, ठीक है, तो इनको आप जोड़ें, 11, 2, 13, 13, 4, 17, 17, 4, 21, 21 और 4, 25, ठीक है, ये कितने हो गए, 25 हो गए, और जे 25 हो गए, तो इन 25 को और 25 को प्लस करो कितने हो गए, 50, और 2 और प्लस कर दो तो कितने हो गए, 52 वर्ण हो गए। तो इस प्रकार से देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। अब आपको याद रख लेना है कि 11 स्वर हैं, अयोगवाह 2 हैं,
ठीक है। स्पर्श व्यंजन 25 हैं, अंतस्थ 4 हैं, ऊष्म व्यंजन 4 हैं, संयुक्त व्यंजन 4 हैं और द्विगुणी व्यंजन 2 हैं। इस प्रकार से कितने वर्ण हो जाते हैं? 52 वर्ण हो जाते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब दोस्तों और भी देखते हैं कुछ। यहाँ पर हमें देखना अयोग बाह, अम और आहा, ये क्या है? अयोग बाह कहा जाता है, ठीक है। इनका योग ना तो पूर्ण रूप से व्यंजन के साथ होता है और ना ही स्वर के साथ, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अयोग बाह कहा जाता है, ठीक है। द्विगुणी व्यंजन जो है ढा और ढा, ये क्या है? द्विगुणी व्यंजन है, ठीक है। इनको आप समझ लें। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा द्विगुणी व्यंजन है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन देखो, दो वर्णों के योग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये पूछे जाते हैं छ, आधा का और सा से मिलकर बनता है छ, ठीक है। दूसरा त्रा, आधा ता और रा से मिलकर बनता है तेरा। ग्या, आधा जा और या से बनकर मिलता है ग्या, ठीक है। सरा, आधा सा और रा से मिलकर बनता है सरा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो छा है इसकी रचना कैसे होता है, कैसे होती है इसकी रचना। तो आपका सीधा सा ऑप्शन अलग अलग प्रकार के दिए रहते हैं। तो इस जो संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों, आपको याद रख लेना है कि जो प्रथम अक्षर है उसमें हलंत जरूर आएगा, ठीक है। ये तो आपकी एक पहचानने की ट्रिक है। आप हर में देखें कि यहां से जब हम प्लस करेंगे जोड़ेंगे तो इसमें प्रथम अक्षर में हलंत जरूर आएगा, तभी वह सही माना जाएगा, ठीक है। ऐसे कई शब्द होते हैं जैसे आपको पूरा का दिया जाता है प्लस सावी दिया जाता है, तो यहाँ पर कंफ्यूज तो हो जाते हैं कि हाँ वो तो है लेकिन यहाँ पर हलंत जरूर होना चाहिए कोई भी अक्षर इस प्रकार से होगा तो, ठीक है। तो ये चीज तो आपको संयुक्त व्यंजन में समझ में आ गई होगी, पहले से भी आपको पता होगी। और भी देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण। अब दोस्तों हमें वर्णमाला पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़ें। थोड़े से वर्ण छोटे हैं लेकिन बहुत अच्छे से वर्णमाला को पढ़नी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक जो कॉलम है यहाँ से इतना, ये क्या है? अघोष है। और एक इसके बाद देख रहे होंगे एक घोष है। तो सबसे पहले हम अघोष और घोष को ही देख लेते हैं, ठीक है। अघोष आपको पता होगा कि वर्ण के जो अपना वर्ग होता है, वर्ग के प्रथम और द्वितीय जो अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो यहाँ पर आप का और खा वर्ण देख रहे होंगे, तो ये क्या है? अघोष है, ठीक है। और साथ ही देख रहे होंगे सा, सा और सा, ये भी अघोष कहलाते हैं। तो आपको याद रख लेना है ये क्या है? अघोष है। इनको आपने देख लिया। अब आप देखते हैं और अघोष, अब देखते हैं सघोष या फिर घोष। तो वर्ग के जो होते हैं कौन कौन से अक्षर होते हैं, आप देखो प्रथम और द्वितीय तो जो हो गए अघोष। अब तीन, चार और पांच है ना, तो ये तीन, चार और पांच, ये जो अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और साथ ही हावी अघोष होता है, ठीक है। और यहां पर देखें कि अंतस्थ जितने भी व्यंजन हैं, या रा लावा, ये भी अघोष होते हैं, ठीक है। आ ई ऋषि और उ, ये भी अघोष होते हैं। बड़ा आ वड़ी ई उ, ये भी क्या है? अघोष हैं, ठीक है। ए आई ओ औ, ये भी अघोष हैं। तो ये अघोष व्यंजन है दोस्तों। ये आप देखें कि आपने पढ़ लिया सबसे पहले अघोष में कि तीन चार पांच, वर्ग के तीन चार पांच जो अक्षर है वे अघोष हैं। हा ये भी अघोष है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन भी क्या है? अघोष हैं, है ना। हिरस्त स्वर भी अघोष हैं, दीर्घ स्वर भी अघोष हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर और संयुक्त जो स्वर हैं ये भी क्या है? अघोष हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो सभी जो स्वर होते हैं, जितने भी 11 स्वर होते हैं, ये क्या है? सघोष, सघोष याद रख लेना। सघोष की बात हो रही है यहाँ पर, घोष या फिर सघोष की, ठीक है। तो ये सघोष हैं, पूरे के पूरे 11 स्वर आपके क्या हैं? सघोष हैं। साथ ही चार अंतस्थ व्यंजन भी आपके क्या हैं? सघोष हैं, ठीक है। और आपके वर्ग के तीन चार पांच अक्षर जो हैं वो भी सघोष हैं, और हा भी आपका सघोष है। तो इस प्रकार से आपको याद रख लेना है कि जो सघोष हैं वे वर्ग के तीन चार पांच, 11 स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन और हा, ये सघोष की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो आपका अघोष और सघोष तो आपने देख लिया कि अघोष कौन होते हैं और सघोष कौन होते हैं या घोष कौन होते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे दोस्तों क्या अल्प। अब दोस्तों हमें क्या देखना है? महाप्राण और अल्प प्राण के बारे में देखना है, ठीक है। तो ये अल्प प्राण और महाप्राण, तो सबसे पहले हम देखेंगे महाप्राण। जो वर्ग के द्वितीय
और चतुर्थ जो अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं, ये तो सभी को पता है। अब और भी देखते हैं महाप्राण कौन कौन से होते हैं, जो सा सा और सा जो उसमें व्यंजन होते हैं इनमें से हा को छोड़कर, ठीक है, नहीं उसमें व्यंजन को छोड़कर नहीं, मतलब जो उसमें व्यंजन जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं, ठीक है। सा सा हा और सा सा और हा, ये उसमें व्यंजन महाप्राण होते हैं। तो यहां पर आपने देख लिया कि महाप्राण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ जो अक्षर हैं वो क्या है, महाप्राण है। साथ ही उसमें व्यंजन भी क्या है, महाप्राण है। तो यहाँ पर महाप्राण हमने देख लिया, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे हम अल्पप्राण। अल्पप्राण, अल्पप्राण माने वर्ग के प्रथम अक्षर, ठीक है, और वर्ग के तृतीय, एक तीन और पांच, यानी कि यम गणनम, एक तीन पांच आपने देख लिया, वर्ग के प्रथम द्वितीय और पंचम, ये जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अब और भी देखेंगे कि अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, एक तीन पांच तो यहां पर आपने देख लिए, ठीक है, ठीक है। और जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन आपने देखे होंगे, ये भी अल्प प्राण की श्रेणी में होती है, रा ला वा। तो इस प्रकार से अल्प प्राण भी हमने यहां पर देख लिए, ठीक है। अब हमारी क्या पढ़ना है, हमें अब उच्चारण स्थान पढ़ना। हमने घोष के अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सारी की सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब यहाँ पर दिया है कंठ और यहाँ पर दिया है तालु, मूर्धा, दंत और ओष, ठीक हो। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो कंठ होते हैं तो कावर्ण जितना भी होता है, का खा गा घा, ये क्या होते हैं, कंठ होते हैं, है ना, कंठ होते हैं। और साथ ही हा इसमें आ जाता है, ये भी कंठ से बोला जाता है ना, और ला भी आ जाता है यहाँ पर, तो ये भी बोला जाता है, और आ भी बोला जाता है, और आ भी बोला जाता है कंठ से। तो आपको याद रख लेना है कि ये तो आपका प्रथम वर्ग का प्रथम अक्षर हो गए, ठीक है। साथ ही कंठ में हा भी आएगा और ला भी आएगा आपका, ठीक है, और आएगा कौन सा, आ और बड़ा आ। तो ये तीन अक्षर हो जाएंगे। सबसे पहले तो याद रखना है कि वर्ग के प्रथम अक्षर सारे के सारे क्या है, कंठ से बोले जाते हैं, हा आ और बड़ा आ, ये तीन अक्षर और याद रखने हैं कंठ से उच्चारण स्थान के लिए। फिर तालु की बात करें तो तालु में हमने वर्ग के द्वितीय अक्षर जो होते हैं, ठीक है, वे क्या बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं चा छा, है ना, जा और झा। फिर तालु से बोला जाता है सा, ये याद रखना है, तालु से सा बोला जाता है, ठीक है, और या बोला जाता है या, ई वड़ी ई, ए और आई। तो इस प्रकार से आपको पांच और छह अक्षर और आपको याद रखना है तालु में, शक्कर वाला सा, या, ई वड़ी ई और ए आई, है ना, ये कैसे बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। मूर्धा की बात करें तो टा ठा वर्ग के तृतीय अक्षर, ठीक है, यहां पर सा षट्कोण वाला सा आएगा, ये मूर्धा से बोला जाएगा। डा ढा ढा तो ये तो आपके तृतीय अक्षर हो गए, साथ ही रा और ऋषि वाला, ये भी मूर्धा से बोला जाता है। तो आपके वर्ग के तृतीय अक्षर और तीन अक्षर और आपको याद रखना है, सा रा और ऋषि, ठीक है, ये तीन और याद रखने मूर्धा में। दंत की बात करें तो दंत के जो वर्ग के चतुर्थ अक्षर है, ता था दा धा ना, साथ ही आपको सा याद रखना है, ठीक है, और ला भी आपको याद रख लेना। ये क्या बोले जाते हैं, दंत से बोले जाते हैं। अब देख लो ओष्ठ, ओष्ठ में वर्ग के पंचम अक्षर आपको पता है, पाफा बाभा मा, ये पंचम अक्षर है, ठीक है, पा, और साथ में आपको अंतस्थ व्यंजन में वा याद रखना है, उ ओ और औ, ये आपको पांच अक्षर और ओष्ठ में याद रख लेना है, वा उ है ना, ओ और औ, इनको आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये क्या है, आपको याद रखना है, यहाँ पर बड़ा उ है, ठीक है, ये बड़ा उ है, तो ये बड़ा उ भी आप याद रखेंगे। तो हमने यहाँ पर दोस्तों पूरे के पूरे देख लिए, उच्चारण स्थान देख लिए, कंठ, तालु, मूर्धा, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर कहीं समझ में ना आई हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं, ठीक है, उसका निराकरण जरूर किया जाएगा। दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस चैनल का उद्देश्य एक है कि गलतियां तो पढ़ाने के दौरान होती हैं, पढ़ने और पढ़ाने की एक अंग होती हैं गलतियां,
लेकिन उनका निराकरण किया जाना चाहिए, तो हम निराकरण जरूर करते हैं बाद में, है ना, कमेंट के माध्यम से हो या फिर व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से, तो आप कहीं भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो वर्णमाला है, वर्णमाला से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चनों पर आज हमने क्या की है दोस्तों, यहाँ पर अध्ययन किया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करना है, साथ ही सभी लोगों को इंस्टाग्राम, इसलिए मैंने इंस्टाग्राम भी आपको दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, टेलीग्राम भी दे रखा है, ट्विटर भी और फेसबुक भी, कहीं से भी आप पूछ सकते हो, कहीं भी आपको कोई डाउट लगता है, ठीक है। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।